नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर रविवार की सुबह भूस्खलन के चलते कुछ लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस हादसे में जान माल का कितना नुकसान हुआ इसके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हादसे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है, इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूँ। हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट के मामले को लेकर जारी विवाद के बीच अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई परेशानी नहीं है तो फिर रहमान को अपनी पहचान उजागर करने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए। हर किसी को अपने नाम पर गर्व होना चाहिए, किसी को नाम छुपाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम में पवित्रता की ज़रूरत है। अगर हमारा काम पवित्र है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या किसी अन्य समुदाय से हैं। बता दें कि इससे पहले समियत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि यह भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है तथा इससे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कानूनी टीम इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। मदनी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को संविधान में इस बात की पूरी आज़ादी दी गई है कि वे जो चाहें पहने, जो चाहें खाएं, उनकी व्यक्तिगत पसंद में कोई बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकार के विषय हैं। कल सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को समाप्त होगा। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, तिरुचि शिवा और NDA के कई नेता पहुँचे हैं। उनके अलावा समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, CPI ML के नेता राजाराम सिंह और बाकी विपक्षी नेता भी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र की NDA सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। ऐसे में बजट सत्र शुरू होने से पहले इस पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि लोगों को सरकार से बहुत कम उम्मीदें हैं, जनता समझ चुकी है कि सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि संविधान, संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक परंपराओं की हत्या की जा रही है। BR अंबेडकर की प्रतिमा को हटाया गया, संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, सरकार के संरक्षण में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, चीन लद्दाख में अपना अड्डा बना रहा है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का अपमान किया जा रहा है, MSP पर कोई फैसला नहीं हुआ, किसान परेशान हैं, मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है लेकिन सरकार बेपरवाह है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुने हुए नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और ऐसे कई मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों को उठाएंगे। वहीं RJD नेता मनोज झा ने कहा कि यह सब निरर्थक होता जा रहा है, अगर सर्वदलीय बैठक हो रही है तो बातचीत होनी चाहिए लेकिन यह एक निरर्थक कवायद बन गई है जिसका संसद में कोई असर नहीं दिख रहा। सरकार जनादेश को ठीक से पढ़ नहीं पा रही, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। RJD नेता ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो संसद अच्छे से काम करेगी। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में JDU नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। YSRCP नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की लेकिन हैरानी की बात यह है कि TDP नेता इस मामले पर चुप रहे। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि राजनीतिक माहौल कितना बदल गया है। सर्वदलीय बैठक में BJD नेता ने रक्षा मंत्री और BJP अध्यक्ष JP नड्डा को याद दिलाया
कि ओडिशा में 2014 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। आज रविवार को हो रही सर्वदलीय बैठक में पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में है कि कैसे बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से वे उनके स्वास्थ्य पर गलत बयान दे रहे हैं उससे हमारा संदेह पुष्ट होता है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। ऐसे में टीएमसी आज रविवार 21 जुलाई को राज्य में शहीद दिवस रैली निकाल रही है। टीएमसी की इस रैली में शामिल होने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके करीबी सहयोगी और इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के रविवार को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में शामिल होने की संभावना है। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह आयोजन महज एक राजनीतिक सभा नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य बंगाल का सम्मान करना, उसकी गरिमा और देश की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि यदि मौसम ठीक रहा तो अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। मैंने उन्हें आमंत्रित किया है क्योंकि हम हर साल अपने दोस्तों को इस रैली में आमंत्रित करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने के आदेश को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज किया है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर बारिश के कारण जल भराव में फंसे एक बाइक सवार युवक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर इस व्यक्ति ने अपना नाम लिखा होता तो शायद कोई इसे बचाने आ जाता या फिर आकर भी नहीं आता। सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि वैसे जल भराव देखकर भ्रमित ना हो, ये वीडियो गोरखपुर का नहीं है। जल भराव केवल गोरखपुर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या है। इसके साथ ही अखिलेश ने यूपी भाजपा में चल रही अंतर कलह पर भी तंज किया और पोस्ट के अंत में लिखा, कोई है विशेष टिप्पणी? इस वीडियो को देखकर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये व्यक्ति भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रतीक है जो ये समझ नहीं पा रहा है कि संगठन की तरफ हैंडल मोड़े या फिर सरकार की तरफ। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई है, लेकिन इसका असर दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में हो रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कर्फ्यू के बावजूद राजधानी ढाका में शनिवार को हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान कम से कम 91 लोग घायल भी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोगों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मंगलवार से शुरू हुई इस हिंसा में देश भर में अब तक कम से कम 110 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ छात्र और युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब इस आंदोलन ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं सरकार ने हालात बिगड़ने के मद्देनजर शुक्रवार की आधी रात से कर्फ्यू घोषित कर दिया था और इसके साथ ही देश भर में सेना की तैनाती की गई और कर्फ्यू को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा आज रविवार और सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। विदेश मंत्रालय ने कल शनिवार को कहा कि लगभग 1000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से विभिन्न सीमाओं या उड़ान के माध्यम से भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्रालय का पूरा ध्यान बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर है। बांग्लादेश में भारतीय मिशन भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक 778 भारतीय छात्र विभिन्न सीमाओं के जरिए भारत लौट आए हैं और इसके अलावा लगभग 200 छात्र ढाका और चटगांव हवाई अड्डों के माध्यम से नियमित उड़ान सेवाओं द्वारा घर लौट आए हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले जानकारी दी थी कि बांग्लादेश में कुल भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 15,000 होने का अनुमान है।
ईडी ने अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में कल शनिवार को हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों द्वारा यह जानकारी दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 55 वर्षीय विधायक को शनिवार तड़के गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया और उन्हें अम्बाला में धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी PMLA की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 29 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पवार के वकील के अनुरोध पर अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वे विधायक के वकील को रोजाना आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति दे और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं उपलब्ध कराए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल उन पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को इनहाउस न्यायिक जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में निराधार बताया गया है। इस संबंध में एक रिटायर्ड जस्टिस द्वारा की गई इनहाउस न्यायिक जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट शनिवार को राज्यपाल के कार्यालय ने जारी की। रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान रिटायर्ड जज ने राजभवन के 8 कर्मचारियों से पूछताछ की। इनमें राज्यपाल के सहयोगी मेजर निखिल कुमार और मनीष जोशी, टेलीफोन ऑपरेटर कावेरी कर, अटेंडेंट साइमा बेगम, सुपरवाइजर मुन्ना चौधरी, अटेंडेंट कुसुम छेत्री, चपरासी संत कुमार लाल और OST संदीप कुमार सिंह शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 मई को जिस दिन राज्यपाल के खिलाफ राजभवन की महिला संविदा कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे और राजभवन में एक रात रुके थे। इसके लिए विशेष सुरक्षा समूह के सदस्य पहले से ही शहर में थे। रिपोर्ट में उस दिन ऐसी घटना होने की संभावना पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजभवन की किसी भी महिला कर्मचारी ने जांच के दौरान राज्यपाल के खिलाफ ऐसी कोई आशंका नहीं जताई। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कल शनिवार को मल्लापुरम जिले के एक 14 वर्षीय लड़के में नीपाह वायरस की पुष्टि की। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने लड़के में संक्रमण की पुष्टि की है, जिसका फिलहाल एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उसे कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो गई है और उच्च जोखिम वाले संपर्कों को पहले ही अलग कर दिया गया और उनके नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।